हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने एक नया YouTube चैनल बना लिया है और बनाने के बाद कुछ वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर चुके हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आप समझिए, आपने एक नया YouTube चैनल बना लिए है और उसके ऊपर आपसे 5 या 10 वीडियो अपने आप अपलोड कर दिए। जैसे 5 से 10 अपलोड कर दिए वीडियो और आपका मोनिटाइज भी चैनल नहीं हुआ है, फिर भी आपके YouTube वीडियो के ऊपर ऐड आना शुरू होगा। तो ऐड क्यों आ रहे हैं और आ रहे हैं तो उसके पैसे किसे मिलेंगे और हमें कब मिलेंगे और ऐड आने की वजह क्या है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो YouTube के जो फर मोनिटाइज नहीं फिर भी ऐड आ रहे हैं तो ये कन्फ्यूजन, जितने भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने एक नया YouTube चैनल बना लिया, 5 से 10 वीडियो अपलोड कर दिए और आपके सब्सक्राइबर 100, 200, 400, 500 है, बट 1000 सब्सक्राइबर और 4000 हावर्स वॉच टाइम कंप्लीट नहीं, अनमोनिटाइज चैनल है, फिर भी ऐड आ रहे। तो इसकी वजह यह हो सकती है कि आपने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, वायरल वीडियो करने के लिए आपने किसी का म्यूजिक यूज किया होगा, या फिर किसी का वीडियो उसमें अपलोड कर दिया, या फिर कोई क्लिप लगा दी है, कुछ ऐसा दूसरों का उठाकर अपने चैनल पर अपलोड किया होगा। ये पहली रीजन कि उसकी वजह से आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐड आना शुरू हो गए, कि किसी की म्यूजिक है, कोई ट्रेनिंग में वीडियो चल रहा है, वो वीडियो उठा दिए और अपने चैनल पर अपलोड कर दिए ताकि लोग यही ऑफिशियल समझ के आपके चैनल पर आएंगे, वीडियो देखेंगे, फिर आपको व्यूज और सब्सक्राइब वॉच टाइम सब कुछ मिलेगा। बट ये व्यूज वॉच टाइम और सब्सक्राइब, ये वॉच टाइम और व्यूज आपके कुछ काम में नहीं आने, पहली बात मैं क्लियर करूँ। और दूसरी बात, ये जो भी ऐड आता है उसके पैसे किसे मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किसी का आपने म्यूजिक यूज किया, या फिर वीडियो या फिर क्लिप यूज किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने में, तो वहां पर जो भी क्लिप बनाने वाला, वीडियो बनाने वाला ओनर या फिर यूट्यूबर रहेगा, ये सब कुछ पैसे ऐड के जरिए उसे मिलने वाले, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने वीडियो अपलोड किया, म्यूजिक बनाया, वो सब कुछ उसको मिलने वाला। और आपके यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आपको कॉपीराइट क्लेम का आपको दिखाई देगा, शो होगा। ये जब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में कॉपीराइट क्लेम दिखाई देगा तो ये, इससे प्रॉब्लम ये होता कि आपने किसी का वीडियो उठा लिया और अपलोड कर दिया और कॉपीराइट क्लेम दिख रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि भाई उसका तो वॉच टाइम और जो भी पैसे मिलते आपको नहीं मिलने वाले, पहले आप ये बात समझ लीजिए। और दूसरी बात कि आप ऐसा काम मत कीजिए, किसी का भी उठा लेंगे, थंबनेल हो या फिर वीडियो हो या फिर म्यूजिक हो, कुछ भी किसी का भी उठा लेंगे और अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे ताकि हमें व्यूज मिले, सब्सक्राइब मिले, वॉच टाइम मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके खुद की मेहनत के ऊपर बनना चाहिए, किसी और का थंबनेल, वीडियो ये सब कुछ नहीं डालना चाहिए। इससे नुकसान ये होता है कि आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब को सब पता रहता है कि आप क्या करते हो, आपका कंटेंट कैसा है, आप वीडियो कैसे बनाते हो, फिर आपने किसी और का डाल दिया तो वहां पर सबसे पहले उसे शो हो जाता है कि ये तो दूसरों की वीडियो अपलोड करते रहता है, ये खुद का कुछ नहीं, तो आपका मोनिटाइज होने में आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ये पहली बात। क्योंकि दूसरों का म्यूजिक और वीडियो अपलोड किए आपके चैनल पर ऐड आ रहे हैं तो उसके पैसे वो ओनर को जाएंगे जिसने पहले वीडियो और म्यूजिक बनाया, ये पहली बात क्लियर। और दूसरी बात कि आपके मोनिटाइज के वक्त आपको प्रॉब्लम आएगा, ये बात होगी क्लियर। सेकंड नंबर, मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया, उससे उसके ऊपर 100-200 सब्सक्राइबर है और आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ, मोनिटाइज भी चैनल नहीं हुआ, बट आपके चैनल के ऊपर ऐड आना शुरू हो गए। तो ये ऐड क्यों आते हैं इसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका कंटेंट पूरी तरीके से अच्छा है और आप वीडियो अच्छे बनाते हो, उसके अंदर वॉइस अपनी है और आपका फेस है और वीडियो रिकॉर्डिंग से बनाते हो, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपका खुद का है, किसी और का उठाए वाला नहीं, किसी और का कॉपी किए वाला नहीं, तो ये वीडियो आप अपलोड करते हो, आपके 500 सब्सक्राइबर है एग्जाम्पल में और वॉच टाइम आपका 2000 हुआ है और व्यूज आपको वीडियो पर, एक वीडियो पर आ रहे 3000, 2000, 500, 1000 जो भी समझ लो एग्जाम्पल में, फिर भी आपको ऐड आ रहे मोनिटाइज नहीं, तो इसका रीजन ये है कि आपका कंटेंट और आपके वीडियो यूट्यूब को पसंद आ गए, जिसके वजह से यूट्यूब ने आपके वीडियो के ऊपर ऐड लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि इससे पहले कुछ साल
दो चार साल पहले की बात है, ये तो नया अपडेट एक साल आया, जो पहले एक साल से पहले का जो अपडेट था कि आपका जब तक चैनल मोनिटाइज नहीं होगा तब तक आपके वीडियो के ऊपर एड नहीं आती थी पहले, और अभी एक साल पहले से जो नया रूल्स आ गया यूट्यूब का कि आपका चैनल मोनिटाइज हो या फिर ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपके यूट्यूब वीडियो के ऊपर एड चलेंगे। हाँ, तो जरूरी बात यह है कि एड किस वीडियो पर चलेंगे, मतलब यूट्यूब तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया कि एड किस वीडियो पर चलेंगे, एड किस वीडियो पर चलेंगे हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा वीडियो ठीक से है, कंटेंट अच्छा है, वीडियो अच्छा है, टाइटल अच्छा है, थंबनेल अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छा है, सब कुछ सही है हमारा, हमारे वीडियो पर एड आ रहे हैं तो हमारा यूट्यूब टीम की निगरानी में वीडियो चल रहा है, यूट्यूब टीम के जैसा रूल्स और टर्म कंडीशन रहते हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हमारा वीडियो अभी अच्छे तरीके से चल रहा है और अच्छा कंटेंट है, ये यूट्यूब को पसंद आ गया, इसके वजह से यूट्यूब ने हमारे वीडियो के ऊपर एड लगाना शुरू कर दिया। ये पहली दूसरी बात क्लियर हो गई। और सबसे जो कंफ्यूजन वाला है कि तीसरा सवाल ये है कि हमारा सब कुछ सही है, एड आते हैं, एड के पैसे हमें कब मिलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपको समझना है आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है तो उस एड के पैसे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% जो भी पैसा रहेगा पूरा यूट्यूब टीम के पास रहेगा, पूरा 100% यूट्यूब टीम के पास पैसा रहेगा। जब आपका चैनल मोनिटाइज होगा तो उसमें से यूट्यूब टीम आपको 55% आपको देगा, 45% अपने पास रखेगा जब मोनिटाइज होगा, और मोनिटाइज के वक्त आपका एड आने से और ना आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एड आ रहे हैं, आप एक नए यूट्यूबर हो जैसे कि मैं हूँ, मेरा चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं हुआ, अभी यूट्यूब टीम वीडियो देखेंगे तो मोनिटाइज जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं और 4000 आवर्स कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी है और कुछ घंटे बाकी है, कुछ दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो अच्छे बनाते हो तो आपका चैनल के ऊपर जो वीडियो पर ऐड आते हैं इससे आपका फायदा क्या होगा। पहले मैं बता दूं, आपका ऐड वीडियो के ऊपर जो ऐड आते हैं इससे फायदा ये होगा कि आपका चैनल जल्द से जल्द मोनिटाइज होगा, क्योंकि आपके चैनल को जो भी आपने वीडियो बनाया और आपका जो चैनल है उसको यूट्यूब टीम को ज्यादा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैसा वो कैसा ये सब कुछ डिटेल में निकालने की उतनी ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है, थंबनेल अच्छा है, डिस्क्रिप्शन अच्छा है और आपका वीडियो अच्छा है, तभी तो यूट्यूब आपकी वीडियो पर ऐड चला रहा है, यूं ही थोड़ी चलाएगा। अब देख लीजिए, आपने एक 50 वीडियो अपलोड कर दिए, 50 पर आपको ऐड नहीं मिलने वाले, 50 में से कुछ वीडियो पर मोनिटाइज नहीं आपका चैनल तो ऐड मिलने वाले, ऐसा मत समझिए कि सबके सब मिले, बहुत अच्छी बात है सब वीडियो पर मिल गया बहुत अच्छी बात है, पर नहीं मिलने वाले। यूट्यूब जो वीडियो को पसंद करता, जिसका थंबनेल और कंटेंट अच्छा है उसी वीडियो पर ऐड चलाता, पहली बात तो क्लियर होगी, जिस पर ऐड चलाता और जो वीडियो पर ऐड आता, जिस चैनल पर ऐड आता मोनिटाइज नहीं चैनल फिर भी, तो वो चैनल जल्द से जल्द मोनिटाइज हो जाता, क्योंकि उसको जो मोनिटाइज के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जल्द से जल्द उसका मोनिटाइज अप्रूवल हो जाता। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि किसी का भी वीडियो आप अपलोड ना करें, खुद का कंटेंट बनाना सीखे, खुद मेहनत करना सीखे, खुद का टाइटल हो, खुद का डिस्क्रिप्शन हो और खुद का थंबनेल हो, खुद का वीडियो हो, उसके अंदर खुद का अपना वॉइस हो और अपना फेस हो, ताकि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा भाई, डुप्लीकेट रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेट यूट्यूब को बिल्कुल पसंद नहीं। आप ओरिजिनल तरीके से, जेन्युइन तरीके से मेहनत करो, आप जल्द से जल्द कामयाब होंगे और सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। आप किसी का भी उठा लेंगे, एक तो अपना फायदा नहीं और उसका फायदा कर रहे हो आप, अपना कुछ फायदा ही नहीं दूसरों का वीडियो डालकर, ना वॉच टाइम काम में आता है, ना व्यूज आता है, ना उसका पैसा आता है। तो खुद मेहनत करो, सब कुछ अपना ओरिजिनल, अपनी एक पहचान बनाओ यूट्यूब पर, कि जैसे दूसरे लोग बनाते हैं ना उनके नाम से यूट्यूब पर सब कुछ दिखाई देता है, तो वैसा अपना नाम रोशन करो कि अपना कंटेंट ऐसे बनाओ, अपने वीडियो ऐसे बनाओ, अपना थंबनेल ऐसे बनाओ कि लोग गूगल पर यूट्यूब पर टाइप कर दे अपना नाम और अपने चैनल का, तो सबसे पहले अपना है, ऐसी मेहनत हमको करना है। तो इसलिए किसी का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड ना करें, खुद मेहनत करें और अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। ये वीडियो जो बनाने का मकसद ये है कि आप सही से काम करें और जल्द से जल्द
आपको सक्सेसफुल कामयाबी मिलने वाली, आपका चैनल मोनिटाइज होगा, आप उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी का उठा लेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं। आप कंटेंट अच्छा बनाइए, आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाइए। इसके बाद अभी तक कभी किसी का भी वीडियो डाउनलोड नहीं करना है और अपलोड नहीं करना है, खुद के दम पर, खुद के मेहनत पर आपको काम करना है। आपका वीडियो वायरल क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारों के कन्फ्यूजन और कमेंट रहते हैं कि भाई इतनी मेहनत करते हैं, हमने 50 वीडियो डाल दिए, 100 वीडियो डाल दिए, हमारा सब कुछ अच्छा है, फिर भी वीडियो वायरल, कहाँ ना कहाँ गलती है, तभी तो वायरल नहीं हो रहा है। तो मेहनत करो, अपने कंटेंट में दम पैदा करो कि ताकि वीडियो आपका वायरल हो और आपका जो क्राइटेरिया है ना 1000 और 4000 आवर्स कंप्लीट करने का वास्तव, वो सब कुछ क्लियर हो, आपका चैनल मोनिटाइज हो और आप अच्छे एक यूट्यूबर बने। इसलिए खुद के दम पर मेहनत करना सीखे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।